बच्चों, आज का टॉपिक जो हम पढ़ना चाहते हैं वो हमारा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, तो हम कहते हैं कि सपोज करो हमारे पास एक बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों ही एलिमेंट जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, तो दोनों के पास एक ही चारा है अपना ऑक्टेट पूरा करने का, हाइड्रोजन के डुप्लेट, फ्लोरीन को ऑक्टेट, कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें। ये शेयर कर दिया। अब जो ये बॉन्ड बनी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनती है वो बॉन्ड है कोवालेंट बॉन्ड है। अब शुरू में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का था। इस बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन था, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन था, बराबर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे। लेकिन आपने देखा कि थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो एलिमेंट कम इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो इलेक्ट्रॉन था, जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, उस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। यानी ये फ्लोरीन जो है ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और इलेक्ट्रॉन्स का झुकाव इधर हो जाता है तो इस फ्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है। इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। तो सबसे पहले हमें ये कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसको डिफाइन करो। तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग इट इज़ डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स towards a more electronegative element. इट इज़ डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवार्ड्स ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, किधर, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी तरफ। फ्लोरीन एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन को काल्पनिक रूप से फ्लोरीन को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी असाइन की गई 4, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3, कार्बन की 2.5, हाइड्रोजन की 2.1, सीजियम 0.7, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की भी 2.8। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और जो सीजियम जो है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सीजियम पूरी पीरियोडिक टेबल का लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब हमने डिफाइन कर दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवार्ड्स ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को असाइन भी कर दिया कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होती है 4, बाकी सब की ये है, ये डाटा याद रहे। मुलिकन नाम का एक साइंटिस्ट आया, उस मुलिकन ने क्या किया, मुलिकन ने कहा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको मुलिकन ने रिगार्ड किया, उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को माना मुलिकन स्केल के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मुलिकन नाम का साइंटिस्ट था, उसने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो इज द एवरेज वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी
एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट एन एटम ऑफ एन एटम। जो मुलिकन था, मुलिकन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो एवरेज वैल्यू है किस किस की, आयोनाइजेशन एनर्जी की और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या वैल्यू बनी, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और दोनों की एवरेज है तो अपॉन टू, दोनों की एवरेज थी तो अपॉन टू। और ये जो वैल्यू ली गई थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डेट इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपॉन टू, ये आपके पास थी। और ये एवरेज वैल्यू दी, उन्होंने कहा कि पॉलिंग स्केल के ऊपर, पॉलिंग जो स्केल था, ये तो उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट बताया। और मुलिकन ने पॉलिंग स्केल के ऊपर, जो पॉलिंग स्केल लेके आया मुलिकन, उस पॉलिंग स्केल के ऊपर मुलिकन ने कहा कि जो पॉलिंग स्केल था उस पॉलिंग स्केल के ऊपर मुलिकन ने कहा, ऑन पॉलिंग स्केल के ऊपर मुलिकन ने कहा, क्या कहा मुलिकन ने MULIKEN मुलिकन ने कहा उस पॉलिंग स्केल के ऊपर कि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डेट इज इक्वल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपॉन 2 × 2.8। ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी आपके पास, 2 × 2.8। ये पॉलिंग स्केल के ऊपर उसने कहा, मुलिकन ने इस बात को एक्सप्रेस किया। यदि आपको इसको किलोजूल में लेना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किलोजूल के अंदर, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ये आपके पास हो गई आयनाइजेशन पोटेंशियल आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपॉन 2 × 2.8। कल बताया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेट इज इक्वल टू 96.48 किलोजूल, तो इंटू 98.48 ये आपके पास किलोजूल पर मोल में आ गई, किलोजूल पर मोल में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का किलोजूल पर मोल में क्या निकला, कि ये आपके पास निकल के आया गया आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बराबर 2 × 2.8 अपॉन इंटू 96.48 किलोजूल पर मोल के अंदर। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ गई है बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपके पास आ गई। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन कौन से बने, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स बने जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं। तो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज इफेक्टेड बाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसी एलिमेंट की, उसको कहता है इफेक्ट होती है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट की जाती है, किस किस के द्वारा इफेक्ट होती है। तो फर्स्ट है आपके पास स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की जो स्टेट है उसके द्वारा इफेक्ट होती है, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा कैसे इफेक्ट हो, तो कार्बन यदि है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कहीं पर कार्बन है मान लो और कार्बन एलिमेंट है तो उसकी वो कार्बन अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन में है, कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन है आपके पास, हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का आपके पास हाइब्रिडाइजेशन दे रखा है और वो हाइब्रिडाइजेशन है, कहीं पर कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन में है, कहीं पर sp2 में है, कहीं पर sp3 में है,
तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, क्योंकि एस ऑर्बिटल जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो सबसे ज़्यादा एस की, फिर एस पी टू की, फिर एस पी थ्री की। यह आपके पास हाइब्रिडाइजेशन की बात है कि हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड फैक्टर है, ऑक्सीडेशन स्टेट कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी इफेक्ट करता है इसको। ऑक्सीडेशन स्टेट यदि कहीं पर भी Fe प्लस टू है और Fe प्लस टू है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसकी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Fe प्लस थ्री की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू Fe प्लस टू। तो ये फैक्टर्स हैं आपके पास दो, एक हाइब्रिडाइजेशन का फैक्टर बना और एक आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट का फैक्टर बना। इलेक्ट्रोनेगेटिव Fe प्लस थ्री की ज़्यादा एज कम्पेयर टू Fe प्लस टू। मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आगे चलें बच्चों, आगे चलें, यदि हम हमारे पास और आगे चलें इसमें कि इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रो जो नेगेटिविटी है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगला फैक्टर हमारे पास आता है इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इम्पोर्टेंस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो क्या इम्पोर्टेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो वो बात यदि आप देखें, नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज प्रडिक्टेड बाई नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज प्रडिक्टेड बाई डेल्टा ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कि जो बॉन्ड है नेचर उसका डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से प्रडिक्ट होती है वो, कि यदि वो बॉन्ड उसका डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव से होती है। यदि कहीं पर भी डेल्टा ई एन किसी भी बॉन्ड का डेल्टा ई एन जीरो है तो वो बॉन्ड प्योरली कोवालेंट बॉन्ड होगी। यदि कहीं पर डेल्टा ई एन किसी भी बॉन्ड का जीरो है तो वो बॉन्ड प्योरली कोवालेंट बॉन्ड होगी। किसी भी बॉन्ड का डेल्टा ई एन जीरो हुआ तो वो बॉन्ड प्योरली कोवालेंट होगी। जैसे एग्जांपल Cl2 है, इसमें Cl बॉन्ड है, दोनों की इलेक्ट्रोनेट सेम है तो ये बॉन्ड प्योरली कोवालेंट होगी। Br2 है, I2 है, प्योरली कोवालेंट बॉन्ड होगी। यदि कहीं पर भी डेल्टा ई एन 1.9 हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 1.9 हुआ, तो वो बॉन्ड जो है उसमें 50% आयोनिक करैक्टर होगा और उसी बॉन्ड के अंदर 50% कोवालेंट करैक्टर होगा। कोई भी बॉन्ड यदि उसमें वो होगा, अब यदि इससे ऊपर करैक्टर जाएगा 1.9 से ज़्यादा बॉन्ड यदि डेल्टा ईएन होगी तो बॉन्ड के अंदर आयनिक करैक्टर बढ़ेगा, 1.9 से कम होगी तो उस बॉन्ड के अंदर कोवालेंट करैक्टर बढ़ेगा। परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकालना हो यदि कहीं पर भी कैन बी कैलकुलेटेड एज उस बॉन्ड का परसेंटेज आयनिक करैक्टर यदि किसी बॉन्ड का निकालना हो तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम। कैसे, 16 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी, मॉडुलस है यानी साइन वो आएगा, प्लस 3.5 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी सारे का होल स्क्वायर। ये आपके पास किसी भी बॉन्ड का परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकाल सकते हो आप। एक्स ए और एक्स बी जो हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैं, एक्स ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए
एटम ए, एक्स बी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी, ये एटम बी की है। यहाँ से आप परसेंटेज आयनिक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो किसी का भी। आपके पास आगे आता है, यदि एक्स ए और एक्स बी की जो वैल्यू है, एक्स ए एक्स बी की वैल्यू, डी ऑप्शन जो इसका, एक्स ए एक्स बी की जो वैल्यू है ये एक्स जीरो ऑक्साइड बनाती है, यदि कोई भी बॉन्ड एक्स जीरो माइनस एक्स ए, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस वो प्रडिक्ट करता है, प्रडिक्ट्स द नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड, वो नेचर ऑफ ऑक्साइड बताता है आपको कि ऑक्साइड का नेचर कितना होगा यदि ऑक्सीजन साथ बॉन्ड बने। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए एक्स ओ यानी ऑक्साइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस एक्स ए लार्ज यदि होगा, लार्ज होगा तो ऑक्साइड जो है, ऑक्साइड इज बेसिक, ऑक्साइड इज बेसिक, वो ऑक्साइड बेसिक होगी। एग्जांपल के तौर पे यदि आप देखो तो Na2O। दूसरा, यदि आपके पास XO माइनस XA समाल होगा तो ऑक्साइड जो है, ऑक्साइड इज एसिडिक, ऑक्साइड एसिडिक होगी। और एग्जांपल आपके पास SO। तो बच्चों ये आपके पास टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी और उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर बेसिकली हमने आयोडाइजेशन स्टेट देखी, ये डेफिनेशन इसकी आई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या क्या है ये चीज़ें देखी हैं। होप करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आएगा, आप इसको अच्छे से देखें। अगला लेक्चर भी डालेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी देखते रहें इसको।